नक्सली हमले में शहीद हुए भिंड के जवान पवन कुमार भदौरिया के परिवार को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। इस दौरान शहीद जवान के बेटे को गोद में लेकर सीएम मोहन यादव काफी भावुक हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन ने शहीद के परिजन का किया सम्मान। नक्सलियों से लोहा लेने वाले शहीद के परिजन को सौंपी 1 करोड़ की सम्मान राशि। शहीद जवान पवन कुमार के बेटे को गोद में लेकर भावुक हुए मोहन यादव। सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हो गया था भिंड का लाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए मध्य प्रदेश के भिंड के जवान पवन कुमार भदौरिया को प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। सीएम मोहन यादव ने शहीद के परिवार को ये राशि देते हुए उनकी बहादुरी और बलिदान को सराहा और कहा कि शहीद परिवार के साथ सरकार खड़ी है। राज्य शासन शहीद परिवार की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। इस दौरान मोहन यादव ने शहीद पवन कुमार के नन्हे बेटे को गोद में उठाकर पिता की तरह दुलार किया और भावुक हो गए। सीएम का यह अंदाज देखकर हर कोई भावुक हो गया। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने शहीद पवन कुमार के बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। 30 जनवरी 2024 को हमारे विधानसभा क्षेत्र के कुपाली गाँव के सपूत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। मैं उनके बलिदान को प्रणाम करता हूं और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया उनके शौर्य को प्रणाम करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह को स्वीकार करके 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को प्रदान की है। मैं मेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता और उनके परिवार की तरफ से सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके पवन भदौरिया जी के बलिदान को प्रणाम करता हूं। दरअसल भिंड जिले के मेहगांव तहसील के ग्राम कुपावली में रहने वाले सीआरपीएफ के जवान पवन भदौरिया छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर रहते हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद सीएम ने इनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।